अस्सलाम वालेकुम, यूनिटी न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब काला दम करार। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की जानिब से हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थी जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अददी अक्सरियत मौजूद है, कल हमजा दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। नून लीग मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने दीगर लीग रहनुमाओं के हमरा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा लाहौर हाई कोर्ट ने आज का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह के तनाजुर में दिया जिसके तहत उन्होंने हुक्म दिया कि पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। वजीर आजम से चीनी सरकारी कंपनी के वक्त की मुलाकात। ऐलानी के मुताबिक नॉरिंको पाकिस्तान में बिजली और काबिल तजदीद तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम कानकुनी और आईटी के शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी तआवुन को मजबूत करना पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में हामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फवाद चौधरी। पंजाब में हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाबों का आदम करार देने के अदालती फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए पीटीआई रहनुमा का कहना था कि हाई कोर्ट के फैसले ने सूबे में जारी सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रही लेकिन जो हल दिया गया है इसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ खत्म, नई तरमीम मंजूर। कौम असम्बली में आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर दिए गए रिलीफ को खत्म करके नई तरमीम मंजूर कर ली जिसके तहत महाना 50,000 से 1,00,000 रुपए कमाने वाले को इजाफी रकम पर 2.5% की शरह से टैक्स देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए यूनिटी न्यूज़।